अथ चतुर्थो अध्याय। वराह कल्प के प्रथम से नवम द्वापर तक हुए व्यासों एवं शिवावतारों का वर्णन। नंदीश्वर उवाच। धनी सारे गागा मारे निधसासा, धनी सारे गागा मारे निधसासा, मापा धनी पापा। सनत कुमार सर्वज्ञ चरितं शंकरं मुदा रुद्रेण कथितं प्रीत्या ब्रह्मणे सुकृतं सदा। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, अब शंकर जी के जिस सुखदायक चरित्र को हर्षित होकर रुद्र ने ब्रह्मा जी से प्रेम पूर्वक कहा था, उस चरित्र को सुने। शिव उवाच। सप्तमे च वाराहे कल्पे मन्मन्तर विदे कल्पेश्वरोऽथ भगवान् सर्वलोक प्रकाशनः मनोर्वैव स्तव तस्य त्रिप्रपुत्रो भविष्यति तदा चतुर्युगक्षेम तस्मिन् मन्वन्तरे विधे। शिव जी बोले, हे ब्रह्मन्, वराह कल्प के सातवें मनवंतर में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर जो तुम्हारे प्रपौत्र हैं, वह वस्वत मनु के पुत्र होंगे। अनुग्रहार्थं लोकानां ब्रह्माणां हिताय च उत्पस्यामि विधे ब्रह्मन् द्वापराख्या युगान्तिके। हे विधे, हे ब्राह्मण, उस समय लोगों के कल्याण के निमित्त तथा ब्राह्मणों के हित के लिए मैं प्रत्येक द्वापर युग के अंत में अवतार ग्रहण करूंगा। युग प्रवृत्या च तदा तस्मिन् च प्रथमे युगे द्वापरे प्रथमे ब्रह्मन् यदा व्यास स्वयं प्रभु तदाहं ब्रह्मणाताय कला तस्मिन् युगान्तिके भविष्यामि शिवायोक्ता चेतो नाम महामुनिः। इस प्रकार क्रमशः युगों के प्रवृत्त होने पर प्रथम युग में चतुर्युगी के प्रथम द्वापर युग में जब स्वयं प्रभु नामक व्यास होंगे, तब मैं ब्राह्मणों के हित के लिए उस कली के अंत में पार्वती सहित श्वेत नामक महामुनि के रूप में अवतार लूंगा। तदा शिष्य शिखायोक्ता भविष्यन्ति विधे मम श्वेत श्वेत शिखश्चैव श्वेताश्व श्वेतलोहितः चत्वारो धनयोगात्ते भविष्यन्ति पुरं मम। हे विधे, उस समय पर्वतों में श्रेष्ठ रमणीय हिमालय के छागल नामक शिखर पर शिखा से युक्त श्वेत श्वेत शिख श्वेताश्व और श्वेत लोहित नामक मेरे चार शिष्य होंगे। विचारों ध्यान योग के प्रभाव से मेरे लोक को जाएंगे। ततो भक्ता भविष्यन्ति ज्ञात्वा मां ततो व्ययम् जन्म मृत्यु जराहीन परब्रह्म समधयः। तब वहाँ मुझ अविनाशी को तत्व पूर्वक जानकर वे मेरे भक्त होंगे और जन्म मृत्यु जरा से रहित तथा परम ब्रह्म में समाधि लगाने वाले होंगे। ऋषुं शक्यो नरग्राह मृते ध्यानाति कामः नान धर्मादिभिर्वत्स साधने कर्म हेतुभिः। हे पितामह, हे वत्स, ध्यान के बिना मनुष्य मुझे दान धर्मादि कर्म के हेतुभूत साधनों से देखने में असमर्थ है। द्वितीये द्वापरे व्यास सत्यो नाम प्रजापतिः यदा तदा भविष्यामि सुतारो नमतः कलौ। दूसरे द्वापर में जब सत्य नामक प्रजापति व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में सुतार नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। तथापि मे भविष्यन्ति शिष्या वेद विदो द्विजा दुन्दुभिः शतरूपश्च ऋषिकः केतुमांस्तथा। उस युग में भी दुन्दुभि शतरूप ऋषि तथा केतुमान नामक वेदज्ञ ब्राह्मण मेरे शिष्य होंगे। चत्वारो ध्यान योगात्ते गमिष्यन्ति पुर मम ततो मुक्ता भविष्यन्ति
ज्ञात्वा मां तत्त्वतो व्ययम्। विचारों ध्यान योग के प्रभाव से मेरे लोक को प्राप्त करेंगे और मुझ अव्यय को यथार्थ रूप से जानकर मुक्त हो जाएंगे। तृतीये द्वापरे चैव यदा व्यासस्तु भार्गवः तदाप्याहं भविष्यामि दमनस्तु युगान्तिके। तीसरे द्वापर युग के अंत में जब भार्गव नामक व्यास होंगे तब मैं दमन नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। तत्रापि च भविष्यन्ति चत्वारो मम पुत्रकः विशोकश्च विशेषश्च विपाप पापनाशनः। उस समय भी विशोक विशेष विपाप और पापनाशन नामक मेरे चार पुत्र शिष्य होंगे। तिशेत आयम्यासस्य करिष्ये चतुरानन निवृत्ति मार्गं सुदृढं वर्तयिष्ये कलविह। हे चतुरानन, उस कलयुग में मैं अपने शिष्यों के द्वारा व्यास की सहायता करूंगा तथा निवृत्ति मार्ग को दृढ़ करूंगा। चतुर्थे द्वापरे चैव यदा व्यासो गिरा स्मृतः तदाप्याहं भविष्यामि सुहोत्रो नाम नामतः तत्रापि मम त्रिपुत्राश्च परो योग साधकः भविष्यन्ति महात्मानस्य नामानि द्विविधे सुमुखो दुर्मुखश्चैव दुर्गमो दुरतिक्रमः शिष्य सहायं व्यासस्य करिष्येऽहं तदविधे। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास रूप में प्रसिद्ध होंगे तब मैं सुहोत्र नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी महात्मा योग साधक मेरे चार पुत्र शिष्य होंगे। हे ब्राह्मण, मैं उनके नाम बता रहा हूँ, सुमुख दुर्मुख दुर्दुम और दुरतिक्रम। हे विधे, उस समय मैं अपने शिष्यों के द्वारा व्यास की सहायता करूंगा। पंचमे द्वापरे चैव व्यासस्तु संहिता स्मृतः तदा भोगी भविष्यामि कंको नाम महतपः तत्रापि मम ते पुत्र चत्वारो योग साधकः भविष्यन्ति महात्मानस्तु नामानि शृणुष्व मे सनकः सनातनश्चैव प्रभुर्यश्च सनन्दनः विभूषारत कुमारश्च निर्मलो निरहंकृतिः तत्रापि कंक नामाहं सहायं सवितुर्विधे व्यासस्य हि करिष्यामि निवृत्ति पथवर्धकः। पांचवें द्वापर में सविता नामक व्यास कहे गए हैं। उस समय मैं महातपस्वी कंक नामक योगी के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी मेरे चार योग साधक तथा महात्मा पुत्र शिष्य होंगे। उनके नाम मुझसे सुनिए, सनक सनातन प्रभु सनंदन और सर्वव्यापी निर्मल अहंकार रहित सनत कुमार। हे ब्राह्मण, उस समय भी कंक नामक मैं सविता व्यास की सहायता करूंगा और निवृत्ति मार्ग का संवर्धन करूंगा। परिवर्ते पुनः षष्ठे द्वापरे लोककारकः कर्ता वेद विभागश्च मृत्युर्व्यासो भविष्यति तदाप्यहं भविष्यामि लोकाभ्यनाम नामतः व्यासस्य सुसहायार्थं निवृत्ति पथवर्धनः तत्रापि शिष्य चत्वारो भविष्यन्ति दृढव्रतः संजयो विजयस्तथा। इसके बाद छठे द्वापर के आने पर लोक की रचना करने वाले तथा वेदों का विभाग करने के लिए मृत्यु नामक व्यास होंगे। उस समय भी मैं लोकाक्षी नाम से अवतार ग्रहण करूंगा और व्यास की सहायता के लिए निवृत्ति मार्ग का वर्धन करूंगा। उस समय भी सुधामा विरजा संजय एवं विजय नामक मेरे चार दृढ़व्रती शिष्य होंगे। सप्तमे परिवर्तेतु यदा व्यास शतक्रतुः तदाप्यहं भविष्यामि यज्ञेशव्यो विभुर्विदे योगं सन्दृढयिष्यामि महायोग विचक्षणः काशां गोहन्तरे संस्थ दिव्य देश कुशास्तरे सहायं च करिष्यामि व्यासस्य हि शतक्रतुः उदरिष्यामि भक्तांश संसार भयतो विधे तत्रापि मम चत्वारो भविष्यन्ति सुता युगे सारस्वस्तश योगेशो मेघवाह सुवहनः।
हे विधे, सातवें द्वापर के आने पर जब शतक्रतु नामक व्यास होंगे उस समय भी मैं विभु जयगी शव्य नाम से अवतरित होऊंगा और महायोग विचक्षण होकर काशी की गुफा में दिव्य स्थान में कुशा के आसन पर बैठकर योग मार्ग को दृढ़ करूंगा तथा शतक्रतु व्यास की सहायता करूंगा एवं हे विधे संसार के भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस युग में भी सारस्वत योगीश मेघवाह और सुवाहन नामक मेरे चार पुत्र शिष्य होंगे। अष्टमे परिवर्ते वशिष्ठो मुनि सत्तमः तथा वेद विभागस्य वेदव्यासो भविष्यति तत्राप्यहं भविष्यामि नाम तो दधिवाहनः व्यासस्य हि करिष्यामि साहाय्यं युगवित्तमः कपिलश्च सुरैः पञ्च शिखाशार्वलपूर्वकः तत्वानो योगिनः पुत्र भविष्यन्ति समम। आठवें द्वापर युग के आने पर वेदों का विभाग करने वाले मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ वेद व्यास होंगे। हे योग जानने वालों में श्रेष्ठ, उस समय मैं दधिवाहन नाम से अवतार ग्रहण करूंगा और व्यास की सहायता करूंगा। उस समय कपिल आसुरी पंचशिख और शालवल नामक मेरे चार पुत्र शिष्य होंगे जो मेरे ही समान योगी होंगे। नवमे परिवर्ते तु तस्मिन्नेव युगे विधे भविष्यति मुनिश्रेष्ठो व्याससारसुतः व्ययः व्यासस्य ध्यायतस्य निवृत्त प्रतिवृत्ते तदाप्याहं भविष्यामि ऋषिभो नमतः स्मितः पराशरशगर्गश्च भार्गवो गिरिशस्तथा चत्वारस्तत्र शेषामि भविष्यन्ति योगिनः दशाकं दृढयिष्यामि योगमार्गं प्रजपते करिष्यामि सहायं वेदव्यासस्य सन्मुने। हे विधे, नौवे द्वापर युग के आने पर उसमें सारस्वत नामक मुनि श्रेष्ठ व्यास होंगे। उस समय वे व्यास जी निवृत्ति मार्ग को बढ़ाने का विचार करेंगे, तब मैं ऋषभ नाम से विख्यात होकर अवतार लूंगा। उस समय पराशर गर्ग भार्गव और गिरीश नामक मेरे परम योगी शिष्य होंगे। हे प्रजापते, मैं उनके साथ योग मार्ग को दृढ़ करूंगा और हे सन्मुने, मैं वेद व्यास की सहायता करूंगा। उदारं भवतो हम करिष्यामि दयकरः सुवतारो विधे मे हि ऋषभाग्य सुयोगकृत् सारस्वत व्यासमान कर्तनानुतिकारकः। उस समय हे विधे दयालु, मैं अपने उस रूप से बहुत से दुखित भक्तों का और स्वयं आपका भी उद्धार करूंगा। हे विधे, मेरा वह ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक सरस्वत व्यास के मन को संतुष्ट करने वाला तथा अनेक प्रकार की लीला करने वाला होगा। अवतारण में जैन भद्रायुर्नृप बालक जीवितो हि मृतश्वेड दोषतो जन कुंचितः। मेरे उस अवतार ने भद्रायु नामक राजकुमार को जो विष के दोष से मर गया था एवं जिसके पिता ने त्याग दिया था पुनः जीवित कर दिया था। उस समय राजकुमार के 16 वर्ष का होने पर मेरे अंश से उत्पन्न ऋषभ पुनः सहसा उसके घर गए। पूजितस्तेन समुनिः सद्रूपश्च कृपानिधिः उपादिदेशतर्त्मान् राजयोगं प्रजपते ततः स कवचं दिव्यं शंखं खड्गं च भास्वरं ददौ तस्मै प्रसन्नात्मा सर्वशत्रुविनाशनम्। हे प्रजापते, उस राजकुमार ने कृपा निधि तथा अति सुंदर उन ऋषभ जी का आदर पूर्वक पूजन किया और ऋषभ जी ने उसे उस समय राजयोग से युक्त धर्मोपदेश दिया। तदनंतर उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर दिव्य कवच शंख तथा प्रकाशमान खड्ग प्रदान किया जो शत्रुओं के विनाश में समर्थ था। तदंगं भस्मनामृश्य कृपया दिनवत्सल सदादश सहस्रस्य गजानां च बलं ददौ। तदनंतर दीन वत्सल उन महात्मा ऋषभ जी ने उसके अंगों में भस्म लगाकर कृपा पूर्वक 12,000 हाथियों का बल भी उसे प्रदान किया। इति भद्रायुषं सम्यग् दुष्वास्य समात्रिकं यया स्वर्गतिस्ताभ्यं पूजितस्त्व विश्वप्रभु। इस प्रकार माता सहित भद्रायु को भली भांति आश्वस्त करके तथा उन दोनों से पूजित होकर स्वेच्छागामी प्रभु ऋषभ चले गए।
भद्रायुरपि राजसिद्धित्वा रिपुगणनिधे राज्यं च करधर्मेण विवाह्य कीर्तिमालिनी। हे विधे, राजर्षि भद्रायु भी अपने शत्रुओं को जीतकर कीर्तिमालिनी से विवाह कर धर्मानुसार राज्य करने लगे। इत्थं प्रभव ऋषभो अवतार शंकरस्य मे सतां गतिर्दिनबन्धुर् नवम कथितस्तव। मैंने इस प्रकार के प्रभाव वाले सज्जनों को गति प्रदान करने वाले तथा दीन दुखियों के बंधु रूप मुझ शंकर के नौवें ऋषभ अवतार का वर्णन आपसे किया। ऋषभस्य चरितं हि परमं पावनं महत् स्वर्गं दशस्यमायुष्यं श्रोतव्यं च प्रयत्नतः। ऋषभ का चरित्र परम पवित्र, महान, स्वर्ग देने वाला, यश तथा कीर्ति देने वाला और आयु को बढ़ाने वाला है। इसे यत्न पूर्वक सुनना चाहिए। श्री शिव महापुराणे तृतीयायाम शतरुद्र संहिताया मृषभ चरित्र वर्णनम नाम चतुर्थो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में ऋषभ चरित्र वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।